हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है और अभी तक क्या क्या उन्होंने सीखा है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? अश्लेषा सिंह। कौन सा डे है आज आपको? आज मेरा है 11। यहाँ से लेफ्ट जाना है, 11 डेज है। ओके, ब्रेक पे पैर रख लीजिए। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है कार में? अगर अकेली गाड़ी दे दी जाए तो आप चला सकती हैं? जी बिल्कुल। पक्का? चलो अभी टेस्ट करेंगे, मैं पिछली सीट पे बैठ जाऊंगा अभी, फिर आप ड्राइव करिएगा। सो गाइस, आप देखिएगा कि आज अश्लेषा जी कैसा चला रही हैं और क्या कॉन्फिडेंस है। 10 से 11 डेज हो चुके, काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक इनका कॉन्फिडेंस है। और अभी इससे पहले इन्होंने ऑल्टो चलाई थी और अभी ये सेंट्रो चला रही हैं, दो गाड़ियों का मिक्सेड हो गया है तो थोड़ा और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट रखो, हल्का ब्रेक पे पैर रखो। हाँ, गुड। आगे देखो, बच्चा खड़ा है राइट साइड में, उसको बिठाना, हॉर्न बजा दो। लेफ्ट में रोकना है, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक, और लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट दबाओ और पूरा क्लच लो, फुल धीरे से ब्रेक। गुड, वेरी गुड। अब इसको न्यूट्रल कर लो हल्के हाथों से। हाँ, इसको पीछे बिठा लो। आओ लड्डू, बैठो। देख लो बेचारा कितना सीधा है। कितनी देर से खड़े हो भैया? कितनी देर हो गई? 10-15 मिनट। चलो अब पहला गियर डालो मैडम, आराम से। हाँ बस देख लो एक बार राइट वाले मिरर पे, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। चलो 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 चलो, आराम आराम से, क्लच पूरा नहीं रिलीज करना, हाफ क्लच। अभी स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ, रेस करो, जाने दो धीरे से। गुड, स्पीड बढ़ा के फिर सेकंड गियर डालना है, गड्ढा बचा लो। ओह वेरी गुड, कमाल कर रही है मैडम, आपने तो एकदम गड्ढा बचा लिया। बढ़ाओ स्पीड, हाँ क्लच दबा के सेकंड गियर। चलो, आपका ब्रेक पे पैर आया था क्या मैडम? गियर लगाते टाइम, अभी जब आप गियर लगा रही थी तो क्या आपका ब्रेक पे पैर आया था? देखो गैया माता की जय हो, राइट काटो, काटो राइट, काटो राइट, काटो राइट, काटो। माता नहीं बप्पा है, राइट जाना। ब्रेक पे पैर रखो, आराम से स्लो करो, इसको निकलने दो, बढ़ाओ धीरे से। गुड, ये जो गलियां हैं ना छोटी छोटी, यहाँ से लोग दौड़ पड़ते हैं, दौड़ा के एकदम से अचानक आ जाते हैं, कोई साइकिल वाला कोई बाइक वाला, तो रोड से ज़्यादा हमें कहाँ नज़र रखनी है? गलियों में, ताकि चाह के भी कुछ ऊंच नीच ना हो। और आपके ना पैर थोड़े ज़्यादा ऊपर खिसके हुए हैं, आपका सीट जो है थोड़ा सा, आप कम्फर्ट है इससे पहले था? अब है ना, क्योंकि हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट करी जाती है। ब्रेक पे पैर रख लो, रास्ता थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा स्पीड कम करके। हाँ जाने दो धीरे से, हाँ बढ़ाओ स्पीड, राइट रखो। ये सब ब्लाइंड है नहीं तो, यहाँ पे एक बार हॉर्न दे दिया करो और राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लिया करो, जिससे कि गलती से भी एक्सीलेटर ना दबे। और अब अपनी गाड़ी को ट्राई करो, ठीक है? अब चलाना स्टार्ट कर सकती हो, जाने दो, हल्का लेफ्ट आऊँ बस। जब भी कोई ओवरटेक करे ना तो नज़र आपकी मिरर में ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो कि आप, फ्रंट का तो हमको दिख रहा है लेकिन बैक साइड का भी हमको उतना ही दिखना चाहिए जितना फ्रंट में दिख रहा है, वो साइड मिरर लुकिंग ग्लास से, ठीक है? चलो हल्का लेफ्ट आऊँ, कट, हॉर्न हॉर्न लग गया ना जबरदस्त, आपके लिए लगवाया हॉर्न, आपको हॉर्न में बजाने में दिक्कत होती थी ना? हाँ, तो इसीलिए इसको पेमेंट कर देना मुझे 1500 रुपये। हैं क्या होता है, एक तो पैरों को अब स्टीयरिंग भी स्मूथ चल रहा होगा, क्योंकि स्टीयरिंग कवर चेंज हो गया ना, पहले स्टीयरिंग को टाइट पकड़ना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा मोटा ग्रिप में आ रहा था, अभी हल्का हो गया है। देखा कितना ध्यान रखता हूँ मैं अपने स्टूडेंट का, हाँ सोते हुए इंसान को जगा देता हूँ फ़ोन करके। हाँ
सन, अब हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको बिल्ली डूबेंगे। असल में मैंने कॉल इसलिए किया था ताकि मतलब टाइमली 7 से 7:30 वाला बच्चा जो है वो आज नहीं आया है, राहुल, तो मैंने कहा टाइम बर्बाद ना हो। अभी कौन से गियर में हैं आप? सेकंड। अभी चल के रिवर्स कराना है आपको। हाँ। अभी स्पीड बढ़ाओ और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, क्लच दबा के थर्ड गियर डालो सेंटर में। अश्लेषा जी, आपने 12 o'clock पे हाथ नहीं रखा था अभी गियर चेंज करने के टाइम, आना चाहिए था, ठीक है। हॉर्न, गुड। जैसे राइट साइड से कट आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है, ठीक है। चलो जाने दो, यहाँ से लेफ्ट जाना है, सिग्नल दो लेफ्ट का और गियर डाउन कर लो, सेकंड करो, क्लच दबा के। हाँ, गुड। स्लो करके टर्न करो। सारी डर गई हो, देख रहे हो। हार्ट बीट उसकी उछल गई, कह रही थी ऐसे किसी कमजोर दिल वाले के पीछे बजा दोगे तो स्कोडा के हॉर्न है, 1 year गारंटी है, जितना मर्जी बजाओ राइट रखो। वैसे मोस्टली मेरा हॉर्न ही ज़्यादा ख़राब होता है गाड़ी का, जाने दो। अभी मैं उतर जाऊँगा गाड़ी से, आप बैक करेंगी, ठीक है, बताऊँगा मैं तरीका, बस जाने दो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, गाड़ी को लेफ्ट में लगाओ। हाँ, और अब पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक स्टॉप करो, फुल क्लच और ब्रेक। अब देखो, पहले अच्छे से समझ लो मेरी बात, गाड़ी को न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करो, पैर हटा लो दोनों, रिलैक्स हो जाओ, कूल। अब देखो, जैसे कई बार सपोज करो जो सामने अंकल जा रहे हैं येलो टी शर्ट में, अब सपोज करो यहाँ से और वहाँ तक जाम लगा है रोड पे, ठीक है, जाम लगा और एक एक फिट गाड़ी आगे बढ़ रही है, एक एक फिट गाड़ी, जैसे ट्रैफिक में जिसको बम्फर टू बम्फर कहते हैं, तो आपको गाड़ी बढ़ाना, रोकना, बढ़ाना और बिना एक्सेलेटर के, सिर्फ क्लच से गाड़ी बढ़ेगी और क्लच से गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है, तो वही करना है आपको। चलो, इसको बोलते हैं बम्फर टू बम्फर। राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा, लेफ्ट वाला क्लच पे रहेगा, पूरा फुल क्लच दबा के गियर डालो। श्रेयांश, आप भी ध्यान देना, ठीक है, बस हाफ क्लच, फुल नहीं, सिर्फ हाफ क्लच से ज़्यादा, बस वेट, इससे ज़्यादा क्लच आपको नहीं छोड़ना है। अभी गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा अब वापस फिर पूरा क्लच दबा लो, बस ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गाड़ी खड़ी हो गई, फिर हाफ क्लच छोड़ो, बस हाफ ही छोड़ना, गाड़ी वाइब्रेट ना करे, एकदम स्मूथ चलनी चाहिए, ठीक है। अब रोको, ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करना है आपको, गाड़ी रोकना है, बढ़ाना है, रोकना बढ़ाना मतलब ज़्यादा नहीं, बस 1 meter बढ़ाना है, डर कोई दिक्कत, डर तो नहीं रहे बच्चा? नहीं डर नहीं, उसने अपना इंश्योरेंस करा रखा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, क्यों। चलो, गाड़ी रोकना और बढ़ाना, रोकना बढ़ाना है, ठीक है, टेंशन नहीं, एकदम कूल माइंड से। सो गाइस, मैंने अश्लेषा को गाड़ी हैंडओवर कर दी है और इसको जाना है अभी दुबई, और ये फैशन डिज़ाइनर है और अभी दुबई जा रही है और वहाँ पे इसको कार चलानी है, तो वहाँ लाइसेंस जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करानी है। गुड, कंटिन्यू मत चलाओ, रोकना बढ़ाना, रोकना बढ़ाना, आप तो एकदम जा ही रहे हो धर्राटे से। और 2-3 times ना गाड़ी बढ़ाओ, फिर एकदम से अचानक ब्रेक मारो, पूरा क्लच धीरे धीरे से ब्रेक, जैसे कई बार इमरजेंसी में कोई सामने आ जाता है ना बच्चा, अच्छा, तो पूरा क्लच देन ब्रेक, ये वेरी गुड, थोड़ा स्पीड बढ़ा के कर दिया ना, कर दिया, कर्म करने से कुछ नहीं हो रहा है तो कांड करके देख लो, बंद कर दी गाड़ी, स्टार्ट करो ना, बस चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, बंद हो जाए तो उससे टेंशन नहीं। हाँ, स्पीड बढ़ाओ, पहले गियर में करके पहले स्पीड लो, थोड़ा और ज़्यादा लो स्पीड, क्लच छोड़ो, जाओ रेस करो, और बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, जाओ बढ़ाओ स्पीड, और अब पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लो, स्टॉप, गुड, वेरी गुड, अभी पहले गियर में कर लो,
पहले गियर में कर लो, हो गई पहले गियर में, अब बैक गियर डालो, न्यूट्रल करो, पूरा अपनी तरफ खींचो, फुल ताकत लगा के, हाँ खींचो, लगा नहीं हमको लग रहा है बैक गियर, चलो क्लच छोड़ो भी पता चल जाएगा, ब्रेक तो नहीं दबा रखा है, पैर ब्रेक पे रखो ना, एक्सीलेटर पे नहीं, लग गया, अब सीधा सीधा जाना एकदम, दोनों मिरर देखो लेफ्ट और राइट वाले, एकदम सीधा सीधा वाइट लाइन के अंदर ही रहना है, हल्का लेफ्ट अपना राइट काटो, राइट, हाँ बस सीधी रखो, हाँ स्टॉप करो, बस अब फिर न्यूट्रल करके पहले गियर में डाल के गाड़ी वहाँ लेके चलो, थोड़ा सा आगे जहाँ ऑटो खड़ा है, ये गेट है, इस गेट पे ले चलो, फिर मैं पार्किंग करवाऊँगा, चलो पहला गियर करो, सरंस ध्यान देना ठीक है, अभी यही आपसे भी कराऊँगा मैं, इसको तो दुबई जाना है ना, क्या करूँ मैं यहाँ पे, कुछ मत करो, गाड़ी छोड़ के उतर आओ नीचे, कूद जाओ गाड़ी से, चलती गाड़ी से, हल्का लेफ्ट इधर राइट लेके आओ गाड़ी, हाँ हाँ बस अब सीधी रखो, जाने दो सीधी रखो, और जाने दो, और अब स्टॉप करो, रोक लो, रोक लिया, अब देखो न्यूट्रल कर लो गाड़ी, न्यूट्रल करो, रिलैक्स हो जाओ, न्यूट्रल हो गई, अब देखो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, अब देखो ये गेट दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ गेट के पास आपको पार्किंग करनी है, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि गाड़ी और गेट का डायरेक्शन क्या है, है ना, गाड़ी का पिछला हिस्सा कहाँ है, अभी खड़ी जैसे पोर्च में पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो पूरी घुमा लेते हैं, तो अभी राइट काट दो पूरी स्टीयरिंग फुल, हाँ फुल फुल काटो, फुल हाँ फुल काटो, फुल कट गई फुल, अब बैक गियर डालो पूरा खींच के अपनी तरफ, आपने क्लच ही नहीं दबाया, कर दिया ना कांड, बिना क्लच दबाए गियर डालोगे तो मेरी वाट लग जाएगी, समझ रही हो, अब उसको क्यों न्यूट्रल किया, क्लच दबा के इंजन ऑन कर लेती, तो बैक वाले से ही कर लें, और क्या, किसी भी गियर में कर सकती हूँ स्टार्ट, जरूरी थोड़ी है, किसी भी गियर में क्लच दबा के इंजन ऑन करो, हाँ अरे ये रही चाबी, चाबी बदलवा दी आपने, चाबी चेंज करा दी, मर्सिडीज की चाबी लगवा दी, बस चलो फुल काटो, हाँ हाँ बस जाओ, कभी भी बिना क्लच के गाड़ी नहीं स्टार्ट करती हैं, ठीक है, चलो जाने दो, चलो चलो गुड 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 गुड, एकदम धीरे धीरे, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, एकदम बारीक 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 बारीक, जाने दो धीरे 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 धीरे, जाओ 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 जाओ, चलो चलो जाओ जाओ, एकदम जाओ धीरे, नीचे गाड़ी के अंदर नहीं देखते हैं असलेशा, बस जाने दो, अभी सीधा कर लो स्टीयरिंग, और एक राउंड, और सीधा करो, और बस अब सीधा हो गया, जाओ सीधा सीधा, एकदम सीधा जाना, क्लच छोड़ो, और जाओ और जाओ, थोड़ा सा चढ़ाई है, क्लच छोड़ो वरना गाड़ी बंद हो जाएगी, और जाओ और स्टॉप, बस अब पूरा क्लच ब्रेक दबा लो, अब गाड़ी देखो प्रॉपर आपकी एकदम सीधी आ गई, आपने जब वहाँ से लिया था, अब उसके बाद अब इसको इधर ले जाना है, अब काटो इधर, गियर बदलो फर्स्ट, और पहले एक राउंड काट लो स्टीयरिंग का, एक राउंड, हाँ और चलो अब लेके आओ, और काट लो, फुल काट लो, बस चलो जाने दो, सीधी करो, हल्का लेफ्ट ही रखो, हाँ बस स्टॉप करो, बस अब वही काम फिर करना, बैक गियर में फिर जाओ, वहीं पे फिर पार्किंग में लगाना है, बैक गियर में फिर जाओ, क्लच दबा के बैक गियर डालो, चलो अभी वहाँ पहुँचो तो पहले, नीचे क्या देख रही हो, अभी जाने दो, जब उस पॉइंट पे पहुँचना फिर काटना, अभी नहीं काटना है, हाँ अभी नहीं, अब स्टॉप कर लो, स्टॉप, अब फुल काट दो, उधर काटोगी ना, हाँ लेफ्ट ही काटोगी पूरी, फुल फुल कट गई, चलो जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो, हाँ जाओ फुल फुल कटी रहने दो, फुल फुल फुल, चलो चलो जाओ 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 जाओ, स्टॉप, हाँ अभी सीधा करो स्टीयरिंग, हाँ और पहले गियर में करके आगे बढ़ाओ, क्योंकि थोड़ा सा लेट काटा इसलिए झाड़ पे आ गई गाड़ी आपकी, पहला गियर करो, जाओ इधर काटो मेरी तरफ थोड़ी, हाँ और एक राउंड, बस जाओ आगे जाओ,
बढ़ाओ, 2 मीटर कम से कम जाओ, और अब सीधी कर लो स्टेयरिंग। बस अब वापस बैक गियर डालो फुर्ती से, लग गया। अब हल्का लेफ्ट काटो स्टेयरिंग, और थोड़ा, और बस अब जाओ पीछे जाओ। चलो मिरर चेक करो ना लेफ्ट और राइट के, उससे आइडिया लग जाएगा। हाँ जाओ जाओ, अब सीधी कर लो स्टेयरिंग, और सीधी करो, और स्टॉप। बस अब पहिया सीधा करो, लेफ्ट क्लच क्यों छोड़ दिया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले गियर में कर लो, पहले गियर में। चलो जाओ, जाने दो धीरे से। अभी बीचों बीच रोड पे रखना वाइट लाइन पे गाड़ी, दोनों टायरों के बीच में वाइट लाइन रखो। बस स्टॉप करो। हाँ अब सपोज करो आपको गाड़ी यहीं से बैक करके इधर घुमाना है, इसका मुंह इस साइड करना है, खड़ी गाड़ी। अब दोनों साइड जगह देख लो, इधर और उधर, ज़्यादा जगह किधर है, लेफ्ट में राइट में, राइट में। तो अभी स्टीयरिंग काट दो पूरी राइट, फुल 90 डिग्री 1.5 राउंड, ठीक है, हो गया। अब गियर डालो बैक, कौन सा बैक गियर, पहले न्यूट्रल करो। हाँ लग गया। अब एकदम चावल चावल धीरे धीरे जाना, एकदम धीरे धीरे, गजब, एकदम धीरे धीरे। स्टीयरिंग मत देखो, काट के रखो ना राइट पूरा, क्यों सीधी कर रही हो। हाँ जाने दो धीरे धीरे, और जाने दो, चलो जाने दो, मिरर चेक करती रहो, और जाओ, और स्टॉप। बस अब देखो पीछे स्पेस नहीं है, है ना, ऐसे गर्दन से नहीं दिखता शीशे। अब पहले पूरी लेफ्ट काट लो स्टीयरिंग, क्लच दबाए रखना और ब्रेक लेके रखना, पूरा फुल काट लो, जल्दी जल्दी काटो, खाती पीती कुछ हो नहीं, कहता हूँ बादाम बादाम खाया करो। अब पहला गियर करो, पहला हो गया। अब पूरी फुल काट के रखना, ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है, बस गाड़ी सीधी करना है रोड पे। चलो जाओ, अब ये रुको रुको, क्लच लो ब्रेक लो स्टॉप। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, गाड़ी कहाँ पे, ढलान पे है ना। तो अभी आपने पहले क्या छोड़ा, ब्रेक, ब्रेक छोड़ने के बाद गाड़ी कहाँ जा रही थी, पीछे जा रही थी। तो ऐसे में क्या होगा, गाड़ी पीछे गड्ढे में चली जाएगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कहीं आप खड़े हो जहाँ पे पीछे ढलान है, तो पहले ब्रेक नहीं छोड़ना है, पहले हाफ क्लच छोड़ना है। अभी क्या करना है आपको, हाफ क्लच छोड़ो जैसे गाड़ी वाइब्रेट करने लगे, फिर ब्रेक से पैर हटाना, तो गाड़ी पीछे ना जाके आगे जाएगी। इसको बोलते हैं स्लोपिंग। अक्सर चढ़ाई पे, फ्लाईओवर पे, रेड लाइट पे ये दिक्कत आती, तो पिछली गाड़ी में गाड़ी आपकी भिड़ जाएगी। तो अभी क्या करना है, ब्रेक पूरा दबा के रखो, हाफ क्लच छोड़ो। हाफ क्लच किसको कहते हैं, जैसे इंजन गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए, बस अब ब्रेक छोड़ो, बढ़ गई, पीछे नहीं गई, इसको कहते हैं हाफ क्लच। अभी सीधी करना है बीचों बीच रोड पे, फिर स्टॉप करो, गुड। अब वही सेम चीज़, अभी आपने लेफ्ट काटा था, अब आपको काटना है पूरी राइट। अब पूरी स्टीयरिंग काट दो राइट, फुल, दुबई में चलाओगी ना। चलो फुल काटो, कट गई फुल। अब कौन सा गियर डालोगी, बैक गियर, ना डालो तो हम लोग धक्का मार दें आगे से, दो लोग तो है ही हैं, क्यों सर हंस, मार देंगे ना। जाओ राइट वाला मिरर चेक करो, जाओ धीरे धीरे। सो गाइस, इन्होंने राइट काटा स्टीयरिंग, तो टायर लेफ्ट मूव कर गया, देखें। अभी ये खड़ी गाड़ी करना, बस जाने दो, पीछे ध्यान रखना, नहीं दुबई तक छोड़ूंगा नहीं मैं, जाओ पीछे और जाओ। अभी स्पेस है ना, वाइट लाइन को फोकस करो, स्टॉप, बस वेरी गुड। अभी राइट वाले, लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो जरा, आपको देखो दिख रहा होगा वाइट लाइन, दिख रही है हाँ। अब हाइट ही आपकी छोटी, तो मैं क्या करूँ, बचपन में बॉर्नविटा पिया होता तो ये दिन देखने को थोड़ी मिलता। अभी लेफ्ट काट लो पूरी स्टीयरिंग, फुल फुल काटो फुर्ती से, ब्रेक मत छोड़ना, गाड़ी ढलान पे है, ठीक है, ब्रेक मत छोड़ना। चलो फुल कट गई, अब पहले गियर में करो, अब पहले ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले गाड़ी को गियर में एक्टिव करो। हाफ क्लच छोड़ने के बाद जब गाड़ी इंजन वाइब्रेट करने लगे, फिर ब्रेक से पैर हटाना, गाड़ी अपने आप बढ़ जाएगी 0 RPM पे, 0 RPM पे फर्स्ट और सेकंड गियर रिवर्स गियर में गाड़ी बढ़ जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बस थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और जाओ आगे जाओ, साइड में लगाना है, आगे बढ़ा के लेफ्ट में आ जाओ। हाँ
बस रोक लो, चलो न्यूट्रल करो गाड़ी, न्यूट्रल करो, हो गई न्यूट्रल, इंजन बंद कर दो। अब बताओ कैसा लगा, अब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पक्का? डरावना क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी है। देखो मैं गाड़ी में अगर बैठा होता तो शायद आपके माइंड में एक चीज़ होती कि हो सकता भैया क्लच ब्रेक दबा रहे हैं, है ना, ये रहता है ट्रेनिंग सेंटर में रहता है, चाहे जितना ट्रेनर क्लच ब्रेक ना इस्तेमाल करें। लेकिन अभी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और सीधा सीधा चलाना बहुत आसान होता है। लेकिन ये चीज़ जो मैंने अभी कराई ना, गाड़ी को रोकना, फिर बढ़ाना, फिर रोकना, टर्न करना, लेफ्ट काटोगे स्टीयरिंग, एक्चुअल में कुछ लोगों को यही लगता है कि हम स्टीयरिंग लेफ्ट काटेंगे तो गाड़ी हमारी राइट जाएगी। वो ट्रैक्टर ट्रॉली में होता है कि ट्रैक्टर को लेफ्ट काटोगे ट्रॉली राइट जाती है, लेकिन कार में अगर आप पहिया लेफ्ट काटते हो, लेफ्ट स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाते हो, तो आपका पिछला हिस्सा जो वो लेफ्ट ही जाता है, तो राइट नहीं जाता है। तो ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बाकी अभी आप इनको गाड़ी दे देंगे, उसके बाद अभी 8 से 8:30 वाला आज नहीं आएगा, तो मैं आपको वो डबल क्लास दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको बताइए, अच्छा लगा ना? सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। वैसे आप क्या करती हैं? वैसे मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, अभी मैं ग्राफिक्स कर रही हूँ। ओके, और गाड़ी क्यों सीख रही हैं? चलाने के लिए। अच्छा, मैंने सोचा ओला चलाने के लिए। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे।